नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार के किसी फैसले से असहमत होना या उसकी आलोचना करना लोगों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही गुरुवार को यह फैसला दिया है। इसने असहमति के अधिकार की पैरवी करते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं है और अगर ऐसा सोचा गया तो लोकतंत्र बच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को तब दिया जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले एक प्रोफेसर का मामला उसके सामने पहुंचा। प्रोफेसर के खिलाफ आपराधिक मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की आलोचना करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन बताया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a) के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमजोर विचार वाले लोगों के बजाय तार्किक लोगों पर असहमति की अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा कि हम कमजोर और अस्थिर विचार वाले लोगों के मामलों को लागू नहीं कर सकते। हमारा देश 75 वर्षों से अधिक समय से एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को जानते हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि ये शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देंगे। कसौटी ये नहीं है कि कमजोर विचार वाले या हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण में खतरा देखने वाले कुछ व्यक्तियों पर शब्दों का प्रभाव पड़ता है। पड़ताल तार्किक लोगों पर कथनों के सामान्य प्रभाव की है जो संख्या में महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों में घृणा या दुर्भावना विकसित हो सकती है, यह आईपीसी की धारा 153(a) की उपधारा 1 के खंड 1 को लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर या घरेलू एलपीजी की कीमत कम कर दी है। महिला दिवस पर 8 मार्च की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी घोषणा की। घरेलू एलपीजी की कीमतें 100 रुपए कम कर दी गई। इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को होगा। इस घोषणा के बाद अब दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 803 रुपए में मिलेगा। पीएम ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की है। इसके बाद विपक्ष ने सिलेंडर की कीमतों में कमी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि ऐसा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी को एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। आप सिर्फ इसकी टाइमिंग को देखिए, ये लोग पिछले 9 सालों से सत्ता में हैं, इन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। सूर्य ने कहा कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आया, मेरा मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः अगले 5 या 6 दिनों में कर दिया जाएगा, तभी ऐसा किया गया। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र ने कई राहतों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इस साल 1 जनवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% अंक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से डीए मौजूदा 46% से बढ़कर मूल वेतन का 50% हो जाएगा। आखिरी बार डीए वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई थी जिसमें 4% की बढ़ोतरी हुई थी। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर स्मृति ईरानी का कहना है कि लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में साहस है तो अखिलेश यादव मायावती के बिना चुनाव लड़के दिखाएं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि स्मृति ईरानी कुछ भी कहें, हमारी एक प्रक्रिया है, एक बैठक होगी, चर्चा होगी, फिर उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी। मुझे विश्वास है कि उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कल की बैठक में जिन राज्यों पर चर्चा हुई वहां के उम्मीदवारों की घोषणा आज या कल में हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीईसी तय करेगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने एक बार उनसे संपर्क कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। नवजोत सिंह सिद्धू का यह दावा उनके कांग्रेस छोड़ने और फिर से बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को बीच आया है। एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में सिद्धू से पूछा गया था कि क्या वे बीजेपी में लौट सकते हैं और क्या बीजेपी ने उनसे संपर्क किया है। इस प्रश्न के जवाब में सिद्धू ने दावा किया, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि किसने मुझसे संपर्क किया था। भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे, अगर वो कहें तो मैं उन्हें वो जगह भी बताऊंगा जहां वो मिले थे। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि पाजी, अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो मैं आपका डिप्टी बनने को तैयार हूं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाएं
तो भी वो मेरे डिप्टी बनने को तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने मान से कहा कि अगर वो चाहें तो कांग्रेस में उनका स्वागत है, लेकिन इसके लिए उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। बसपा, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सोशल मीडिया ट्विटर पर यह खबर चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई है। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना से ही हो चला तो जल्द ही सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से साथ में मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के कुनबे में और बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। इसी बीच तेलुगु देशम पार्टी भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने के करीब है। साल 2018 में टीडीपी अलायंस से बाहर हो गई थी। टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि यहां पर उन्होंने गठबंधन करने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बनाया। देर रात हुई मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव से युवाओं ने रोजगार को लेकर कुछ करने के लिए कहा। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी तभी मिलेगी जब दिल्ली वाले व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे। अखिलेश यादव और युवाओं का बातचीत का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े क्रिएटर्स, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को प्रगति मैदान बुलाया है। कहा जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 5,000 है। इस दौरान क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए पोंदी ने कहा कि युवाओं को और उनके क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहा है। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को वेस्ट क्रिएटर फॉर द सोशल चेंज का अवार्ड दिया। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया को तो पहले ही गोदी मीडिया बना दिया गया है और अब युवा कंटेंट क्रिएटर्स को भी बीजेपी अपने पाले में कर रही है, जिससे युवाओं पर पकड़ मजबूत की जा सके। पीएम मोदी ने क्रिएटर्स को प्रगति मैदान में अवार्ड दिए। इस दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का विजेता घोषित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर को पुरस्कार सौंपने के बाद दर्शकों के सामने अपनी गायन प्रतिभा दिखाने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ सुना ही दो, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़ दिए हैं। लंच होने तक टीम इंडिया का स्कोर 264 रन हो गया है। इस तरह भारत ने अब तक पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। भारत की बढ़त अब 46 रन की हो गई है। इससे पहले गुरुवार को इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 218 रन बनाए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।